नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पांचाल और आप सभी का जीपी स्टडी स्टेशन में स्वागत है। तो आज हम करेंगे रीजनिंग का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कैलेंडर। तो बच्चों को इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी सारे डाउट्स रहते हैं, तो आज के सेशन में हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे और जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पर करेंगे। तो चलिए बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर ईयर की। ईयर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नॉर्मल ईयर और एक होता है लीप ईयर। साधारण वर्ष या सामान्य वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। ठीक है, नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं, 52 वीक्स 52 हफ्ते और वन ऑड डे यानी कि रिमेनिंग डे। देखिए, ऑड डे का मतलब क्या है, जब आप 365 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 52 वीक्स अलग निकल जाते हैं और जो लास्ट में एक दिन बच जाता है, जो शेष एक दिन बचता है वही क्या कहलाता है, ऑड डे। ऐसे हम बात करते हैं लीप ईयर की, 366 डेज होते हैं, 52 वीक्स, यहां पर कितने ऑड डेज होते हैं, 2 ऑड डेज। देखिए, जब यहां पर एक दिन फालतू है तो यहां पर ऑड डे भी कितने होंगे, 2 होंगे। अब हम बात करते हैं कि लीप ईयर फाइंड आउट कैसे करते हैं, लीप ईयर कैसे निकालते हैं। एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लिया जाए 2016 है और आपसे पूछे कि ये लीप ईयर है या नहीं है, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपको कुछ नहीं करना, लास्ट के 2 डिजिट्स देखिए, अगर ये 4 से डिवाइड हो जाए तो ये लीप ईयर है, अगर 4 से डिवाइड ना हो तो ये लीप ईयर नहीं है। जैसे 2010, क्या 10 4 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, यानी कि लीप ईयर नहीं है। 2012, क्या 12 4 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होगा, यानी कि लीप ईयर है। तो जब भी आपको इस फॉर्म में दिया हो ईयर और आपसे पूछा जाए कि ये लीप ईयर है या नहीं है, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, लास्ट के 2 डिजिट्स को 4 से डिवाइड करके देखना है, अगर पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है तो वो लीप ईयर है, अगर नहीं होती है तो लीप ईयर नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन आपका आता है सेंचुरी के केस में यानी कि शताब्दी के केस में ऐसा एक क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे मान लिया जाए 2000 है, 2000 एक शताब्दी है, 1900, 1800, 1700, 1600 ये सारी क्या है, सेंचुरी है। सेंचुरी के केस में जब भी आपसे पूछा जाए कि ये लीप ईयर है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, डिवाइड बाय 400, 400 से डिवाइड करोगे, यानी कि सेंचुरी के केस में आपको 4 से डिवाइड नहीं करना है, 400 से डिवाइड करके देखना है। अब देखिए, 2000 एक सेंचुरी है, क्या ये 400 से डिवाइड होगी, बिल्कुल होगी, यानी कि 2000 क्या है, एक लीप ईयर है। 1900 400 डिवाइड नहीं होती, लीप ईयर नहीं है। 1800 लीप ईयर नहीं है, 1700 लीप ईयर नहीं है, 1600 लीप ईयर है, क्योंकि ये 400 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि लीप ईयर से रिलेटेड एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 300 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, 1 से लेकर 100 तक कितने लीप ईयर हैं, 24 लीप ईयर। 24 क्यों हुए, क्योंकि जो 100वां साल है ये एक सेंचुरी है और सेंचुरी को डिवाइड करना होता है 400 से, तो 100 जो है वो 400 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए यहां पर कितने लीप ईयर हुए, 24। इसी तरह 101 से 200 तक 24, फिर 201 से 300 तक फिर 24, यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि जो शताब्दी वर्ष है 100, 200, 300,
ये 400 से भाग नहीं होता, इसलिए यहां पर 24 24 24 लीपर आए हैं। तो इन तीनों का सम करने के बाद यहां पर टोटल कितने लीपर आ जाएंगे, 72, यानी कि 300 सालों में कितने लीपियर होंगे, 72 लीपियर। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन कि 400 वर्षों में कितने लीपियर होंगे, क्या करना है, 1 से लेकर 100 तक कितने लीपियर, 24 लीपियर, 101 से 200 तक 24, 201 से 300 24, और 301 से 400 तक यहां होंगे 25। क्यों, क्योंकि जो 400 जो साल है ये 400 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा, इसलिए यहां पर कितने लीपियर आए, 25। तो इन सभी को जब हम सम करेंगे तो 97 लीपियर बनेंगे, यानी कि 400 वर्षों में लीपियर की संख्या कितनी होगी, 97। तो इस तरह आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अब हमें कुछ कोड याद करने हैं, और कोड जैसे कि ये सेंचुरी कोड है, मंथ कोड और वीक कोड, ये तीन तरह के कोड आपको याद करने हैं। इनके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन पर अभी हम डिस्कशन करेंगे। पहले आप इन कोड को देखिए, देखिए जैसे सेंचुरी कोड है 1600 1700 1800 1900 2000 और 2100 का कोड क्या होगा, जैसे देखिए 6420 6420, फिर ये आगे ऐसे ही चलता रहेगा। और पीछे का पूछे तो पीछे भी इसी फॉर्म में चल रहा था, यानी कि आपको ये 6420, बस आपको ये चार ही संख्या याद रखनी है, और आगे का और पीछे का इसी फॉर्म में आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, मंथ कोड की बात करें तो नॉर्मल ईयर में देखिए कितना आसान है, 144 025 036 146, ये बात कर रहा है नॉर्मल ईयर की। नॉर्मल ईयर की जब भी बात करें सामान्य वर्ष की, तो कोड होगा 144 025 036 146। ठीक है, आप इसको याद कर सकते हैं, जैसे देखिए ये क्या है, 12 का स्क्वायर फिर 0, 5 का स्क्वायर फिर 0, 6 का स्क्वायर और लास्ट में 146। ये तो बात हुई नॉर्मल ईयर की। अगर लीप ईयर की बात करें तो जनवरी और फरवरी के कोड में क्या होगा, परिवर्तन होगा, जनवरी का कोड 0 और फरवरी का कोड 3 और बाकी सारा कोड सेम। जब हम बात करेंगे लीप ईयर की, जब हम बात करेंगे लीप ईयर की, तो जनवरी का कोड 0 और फरवरी का कोड 3 होगा और बाकी सारा जो कोड है वो एज इट इज नॉर्मल ईयर वाला ही होगा। तो ये बात की हमने मंथ कोड की। अब बात करते हैं वीक कोड। तो सैटरडे 0 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, तो इस फॉर्म में ये वीक कोड चलेंगे। अब हम बात करते हैं कि इनके बेसिस पे क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। देखिए जैसे रिक्वायर्ड डे है, आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि 15 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन था। जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएं कि आपको इस तरह क्या दिया होगा, डेट मंथ और ईयर दिया होगा और आपसे पूछेंगे कि इस दिन कौन सा डे था, यानी कि आपको डे फाइंड आउट करना है, तो क्या करना है आपको, ये एक फॉर्मूला है और फॉर्मूले में आपको इसके अकॉर्डिंग पुट करना है, और जैसे जैसे आप पुट करोगे आपका आंसर कुछ ही सेकंड में निकल जाएगा। ठीक है, देखिए समझते हैं। सबसे पहले ईयर की बात करते हैं, ईयर देन लीप ईयर, सेंचुरी कोड जो मैंने अभी आपको लिखवाए थे, फिर मंथ कोड, देन डेट और डिवाइडेड बाय 7। अब देखो इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन में, कैसे होगा देखिए, हमें निकालना है रिक्वायर्ड डे। तो सबसे पहले ईयर, ईयर क्या है 47, तो यहां लिखो 47 प्लस लीप ईयर। अब इन 47 ईयर में यानी कि इन 47 वर्षों में कितने लीप ईयर आए हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, 47 को 4 से भाग करो, 11 लीप ईयर आएंगे। ठीक है, तो 11 लीप ईयर आपने लिख लिया। देन सेंचुरी कोड, सेंचुरी कौन सी है 1900, तो 1900 का कोड क्या है 0। देन मंथ कोड, अब मंथ कौन सा है अगस्त, अगस्त का कोड है 3,
ठीक है, देन डेट 15, और सबको सम करो और 7 से भाग करो, कितना हो गया 7, 8, 9, 10, 11, 11, 5, 16, 16 और 1, 4, 5, 6 और 1, 7, ठीक है, 7 से भाग करने पर जो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर कितना बचा 6, अब इस 6 को आप वीक कोड में जब मिलाओगे तो आपका आंसर आएगा फ्राइडे, यानी कि 15 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन था, शुक्रवार था, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप इस फॉर्मूले से आसानी से कर सकते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं कि 10 मार्च 2115 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। सेम प्रोसीजर, सबसे पहले क्या करना है, आपको ईयर लिखना है, ईयर कौन सा है 15 लिख लिया, देन लीप ईयर, यानी कि इन 15 वर्षों में लीप ईयर कितने आए हैं 3, फिर सेंचुरी कौन सी है 2100 सेंचुरी है, 2100 शताब्दी की बात कर रहे हैं, तो इसका कोड सेंचुरी कोड, तो सेंचुरी कोड कितना है 4, देन मंथ कोड, मार्च का कोड कितना हुआ 4 और डेट 10 और डिवाइडेड बाय 7, सभी को प्लस करो 5, 3, 8, 8, 4, 12, 4, 16, 6, 1, 2 और 1, 3 और 7 से भाग करने पर शेष बचेगा 1, और जब आप 1 को वीक कोड में मिलाओगे तो आपको कुछ मिलेगा इस तरह का, यानी कि आपको मिलेगा वहां पर संडे। तो हम कह सकते हैं कि 10 मार्च 2115 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, रविवार होगा। तो इस तरह आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को बिल्कुल सटीक तरीके से आसानी से कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि 13 दिसंबर 1315 को अगर बुधवार है तो 13 दिसंबर 1320 को सप्ताह का कौन सा वार होगा, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करना है, जब भी आपको डेट और मंथ सेम दिया हो तो आप वो कट कर दो इसको, ठीक है, और इसके बीच का डिफरेंस देखो, यहां 1315 है, यहां 1320 है, इनके बीच का डिफरेंस यहां लिखो, 5 का डिफरेंस है, 5 का अंतर है दोनों में, और इन इन दोनों में कितनी बार लीप ईयर आए हैं, इन दोनों के बीच में लीप ईयर कितनी बार आए हैं, देखो 15 के बाद 16 में लीप ईयर आया था और फिर उसके बाद 20 में लीप ईयर आया, यानी कि 2 लीप ईयर आए यहां पर, ठीक है, दोनों को ऐड करो 7, 7 से भाग करो, रिमाइंडर कितना बचा, शेष बचा 0, शेष 0 बचा, यानी कि 13 दिसंबर 1320 को भी क्या होगा, बुधवार होगा। अगर यहां आता सपोज करो 1, 2, 3 या कुछ भी आता तो आप बुधवार में उसको जोड़ देते, अगर मान लो 1 आता तो बुधवार में 1 प्लस कर देते तो यहां कितना आ जाता, वीरवार, 2 आता तो बुधवार में 2 जोड़ दो, 3 आता तो बुधवार में 3 जोड़ के यहां पे आप लिख देते हो और वही आपका आंसर हो जाता, ठीक है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जिसमें डेट और मंथ सेम दिया हो, उस केस में आप दोनों का डिफरेंस लेकर यहां पे लिखोगे और उन दोनों में कितनी बार लीप ईयर आए हैं, उन दोनों को प्लस करके और 7 से भाग करने पर जो भी वैल्यू आती है उसको उतना आगे बढ़ा दीजिए और वही आपका आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि 15 मार्च 1950 को अगर वीरवार है, थर्सडे है, तो 10 सितंबर 1959 को कौन सा वार होगा, ठीक है। अब पहले वाले केस में क्या था, डेट और मंथ सेम था, लेकिन इस केस में डेट और मंथ अलग अलग है, तो इस केस में आप क्या करोगे, देखिए आपको क्या करना है, यहां पर क्वेश्चन में गिवन है कि 15 मार्च 1950 को वीरवार है, तो वीरवार जो हमने वीक कोड लिखा था उस कोड के अकॉर्डिंग कितना कोड है वीरवार का, 5, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर 5 लिख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि वीरवार था, हमने मान लिया कि भाई 5 कोड है, जैसे हमने वीक कोड लिखे थे तो थर्सडे में क्या था, 5 कोड था। अब हम रिक्वायर्ड डे निकालते हैं, रिक्वायर्ड डे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, फिर हम देखेंगे कि ये मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, चेक करते हैं एक बार। सबसे पहले ईयर, तो ईयर 50 है, 50 सालों में कितने लीप ईयर आए, 12 लीप ईयर आ गए भाई, 1900 का कोड क्या है,
जीरो, मार्च मंथ कोड 4 और डेट 15। सभी को जोड़ो और 7 से भाग करो। देखो 2, 4, 6, 6, 5, 11, 5, 6, 7 और 1, 8, यानी कि यहां पर कितना आया 81/7। जब 7 से भाग करोगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, यहां बचेगा 4, ठीक है। जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना कोड आया 5, तो इससे ये जो ऊपर वाली संख्या है +1 है, ठीक है। आप देख रहे हो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 था कोड और हमने जो निकाला है फॉर्मूले से 4 कोड आया, यानी कि ऊपर वाली संख्या जो है वो नीचे वाली संख्या से 1 ज्यादा है, ठीक है। अब देखिए पूछ रहा है कि 10 सितंबर 1959 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। क्या करना रिक्वायर्ड है निकालो, सबसे पहले ईयर 59, देन 59 ईयर्स में कितने लीप ईयर आए हैं 14, इसके बाद सेंचुरी कोड 0, सितंबर का कोड क्या है 6 और डेट 10, और डिवाइड करो 7 से, इनको प्लस करो 9, 4, 13, 6, 19, 5, 6, 7 और 1, 8। 7 से जब भाग करोगे तो 5 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। 5 रिमाइंडर बचा कब, जब हमने रिक्वायर्ड डे निकाला। अब ऊपर वाले केस में क्या था, रिक्वायर्ड डे में 4 कोड आया था और हमें प्लस करने पर ऊपर वाली संख्या मिली थी, तो रिक्वायर्ड डे कितना आया 5, 5 में 1 प्लस करो कितना मिलेगा 6, और 6 का मतलब क्या होता है फ्राइडे, यानी कि हम कह सकते हैं 10 सितंबर 1959 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, शुक्रवार होगा। तो आइए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए 30 मार्च 1995 को किसी का जन्म हुआ, तो पूछा गया है कि 10 मार्च 2016 तक वो व्यक्ति कितने साल कितने महीने और कितने दिन का होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले ईयर से ईयर तक जाओ, 95 से लेकर 15 तक आपको जाना है पहले, ठीक है। तो 95 से 2015 तक आप गए तो कितने ईयर कंप्लीट हो गए 20 ईयर्स, ठीक है, यानी कि अब आप कहां आ चुके हैं 30 मार्च 2015। अब आपको क्या करना है, मार्च से लेकर फेब तक आप जाइए, क्यों, क्योंकि 30 मार्च है और यहां पर 10 मार्च है, तो पूरा पूरा तो आप जा नहीं सकते, इसलिए आप मार्च से लेकर फरवरी तक आप जाइए तो कितने हो जाएंगे 11 महीने, 11 मंथ्स हो गए। तो अब आप कहां आ चुके हैं, अब आप आ चुके हैं 30 फरवरी, अब 30 फरवरी तो होती नहीं है। देखिए होता क्या है, मान लो किसी का जन्मदिन 30 मार्च को आता है, ठीक है, तो एक साल उस व्यक्ति को 29 मार्च को हो जाता है, यानी कि किसी का जन्मदिन अगर हुआ 30 मार्च को तो एक साल कंप्लीट कब होगा 29 मार्च को, 30 मार्च से अगला साल शुरू हो जाता है। तो बस आपको यही बात ध्यान रखनी है कि अब वो व्यक्ति कहां पहुंच चुका है 29 फरवरी में, ठीक है। तो 10 दिन ये पूरे मार्च के बचे हैं, तो इसको लिख देंगे हम यहां पर 10 डेज। तो 30 मार्च 1995 को कोई व्यक्ति अगर पैदा हुआ तो 10 मार्च 2016 तक वो कितने साल कितने महीने कितने दिन का होगा, 20 साल 11 महीने और 10 दिन का वो व्यक्ति हो जाएगा। इसी तरह हम ये क्वेश्चन करेंगे कि 25 अगस्त 2012 को किसी व्यक्ति का अगर कोई व्यक्ति पैदा होता है तो 10 फरवरी 2016 तक कितने साल कितने महीने कितने दिन का होगा। देखिए 12 से 15 पर जाइए, यानी कि 3 साल कंप्लीट हो गए। अब अगस्त से आपको जनवरी तक जाना है, क्योंकि यहां पर 25 है और यहां कितना है 10 है, तो अगस्त से जनवरी पर जाएंगे आप तो कितने महीने होंगे 5 महीने, 5 महीने कंप्लीट हो गए। तो अब आप कहां पहुंच चुके हैं 24 जनवरी, मैंने आपको बताया कि 5 महीने कहां कंप्लीट हो गए 24 तारीख को कंप्लीट हो चुके हैं, तो जनवरी में कितने दिन होते हैं 31 दिन, तो 24 पे आप पहुंच चुके हैं, तो 7 दिन तो बचे जनवरी के और 10 दिन बचे फरवरी के, आपको पहुंचना कहां है 10 फरवरी, तो 7 जनवरी के दिन और 10 फरवरी के दिन कितने हो गए 17 दिन।
तो वो व्यक्ति कितने साल कितने महीने कितने दिन का होगा? 3 साल 5 महीने 17 दिन का व्यक्ति हो जाएगा। तो इन क्वेश्चंस को आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति का जन्म 1989 में हुआ और उस दिन क्या था? सैटरडे था, शनिवार था। तो वो व्यक्ति अपना जन्मदिन शनिवार के ही दिन मनाना चाहता है, तो ऐसा कौन सा ईयर आएगा कि उसका जन्मदिन सैटरडे को पड़ेगा? तो ये कैसे निकालते हैं, देखिए एक तरीका बताता हूं आपको। लीप ईयर प्लस 1 हो तो आफ्टर 6 ईयर्स, लीप ईयर प्लस 2 या फिर 3 हो तो आफ्टर 11 ईयर्स, और अगर लीप ईयर प्लस 4 हो तो आफ्टर 28 ईयर्स। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है कि लीप ईयर प्लस 1 हो तो 6 साल के बाद वो व्यक्ति अपना जन्मदिन उसी दिन मनाएगा जिस दिन वो पैदा हुआ था। देखिए लीप ईयर प्लस 2 या 3 हो तो आफ्टर 11 ईयर्स, लीप ईयर प्लस 4 या फिर लीप ईयर ही हो तो आफ्टर 28 ईयर्स। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, 1989 है तो इससे पहले लीप ईयर कब था? 1988 में, यानी कि 1988 प्लस 1 किया तभी तो 1989 आया। तो 1988 यानी कि लीप ईयर था 1988, तो लीप ईयर प्लस 1 क्या बताया? लीप ईयर प्लस 1 आफ्टर 6 ईयर्स। तो आपको कुछ नहीं करना, इसमें क्या कर दो? प्लस 6 कर दो, यानी कि 1995। तो जो व्यक्ति 1989 में पैदा हुआ और उस दिन शनिवार था, तो उसका अगला जन्मदिन शनिवार को ही होगा। कब? 1995 में। इसी तरह से यह क्वेश्चन करें, देखिए 2008, इससे पहले लीप ईयर था, प्लस 2 किया तभी तो 2010 आया, यानी कि लीप ईयर प्लस 2, लीप ईयर प्लस 2 या 3, तो यहां पर क्या केस बन रहा है? लीप ईयर प्लस 2, तो आफ्टर कब होगा? 11 ईयर्स। तो इसमें आपको क्या करना है? 11 ऐड कर देने हैं और 2021 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि वो व्यक्ति अपना जन्मदिन या फिर अपनी सालगिरह, एनिवर्सरी भी बोल सकते हैं, कि किसी व्यक्ति की एनिवर्सरी 2010 में, मान लो किसी की शादी हुई और वो मंगलवार था, तो अपनी जो एनिवर्सरी है मंगलवार के ही दिन कब मनाएंगे? 2021 में मनाएंगे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है, आपको बस ये 3 चीजें याद रखनी है और इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए अब हम कुछ और क्वेश्चन में बात करते हैं। देखिए एग्जाम्स में कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि किन 2 महीनों का कैलेंडर सेम होता है, किसी सामान्य वर्ष में किन 2 महीनों का कैलेंडर सेम होगा। तो आपको क्या करना है, जो मैंने आपको मंथ कोड लिखवाए थे क्या था? 144 025 036 146, जिस महीने के कोड सेम है उन महीने का कैलेंडर भी सेम होगा। जैसे देखिए जनवरी का कोड क्या है? 1, अक्टूबर का क्या है? 1, यानी कि जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर भी क्या होगा? सेम होगा। मार्च का कोड 4, नवंबर का कोड 4, इन दोनों का कैलेंडर सेम होगा। फरवरी की हम बात नहीं कर रहे क्योंकि फरवरी में क्या होता है, कभी 28 दिन तो कभी 29 दिन होते हैं। देखिए आगे अप्रैल 0, जुलाई 0, यानी कि इन दोनों महीनों का कैलेंडर क्या है? सेम है। सितंबर और दिसंबर। तो आपको कुछ नहीं करना, इस कोड के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देना है। आपको 4 ऑप्शंस होंगे और वो ऑप्शन इन्हीं में से मैच करेंगे कि किन्हीं 2 सामान्य वर्षों में किन्हीं 2 महीनों का कैलेंडर सेम होगा, तो आप इसके अकॉर्डिंग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस, कैलेंडर पर बेसिस थे और काफी बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप इजीली इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। जो भी मैंने आपको ट्रिक्स बताई है, अच्छी लगी हो तो आप कमेंट्स जरूर करें और लाइक करें। तो जल्दी मुलाकात करेंगे एक और नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।